हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि यूट्यूब ने जो कि नया अपडेट किया है अभी 2020 का 21 का, सो इसमें क्या अपडेट किए हैं इसने, ये वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के पहले से भी क्या अपडेट्स हैं जो कि वॉच टाइम का, तो ये वन बाय वन करके मैं आपको बताऊँगा। सो पहला जो अपडेट आता था कि मान लीजिए कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड की और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, उससे अच्छे खासे वॉच टाइम भी हो गया, तो आपने उसको मान लीजिए डिलीट कर दिया इस वीडियो को कि हम इसको दूसरे तरीके से दोबारा उसको बना के चढ़ाएंगे इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो जो वॉच टाइम उसका रहता है उस वीडियो का, वो आपका वॉच टाइम फिर दोबारा काउंट नहीं होगा। आप डिलीट करते ही वो उसका वॉच टाइम है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि काउंट में नहीं जुड़ रहेगा। सो ये अपडेट था पहले। दूसरा जो अपडेट था कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड किया, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, वॉच टाइम आ गया, तो आपने इसको अनलिस्टेड कर दिया। अगर अनलिस्टेड कर देते थे तो भी उसका वॉच टाइम जो था वो कंप्लीट वो काउंट नहीं होता था, ये कंडीशन थी। और जो तीसरी कंडीशन है, मान लीजिए इसको आपने कोई वीडियो पर जो अपलोड की है वो आपने प्राइवेट भी कर दी, तो प्राइवेट करने पर भी वो कंडीशन अप्लाई होती थी कि आपका जो वॉच टाइम है वो भी काउंट नहीं होता था अगर आपने जिस वीडियो को प्राइवेट कर दिया तो। एंड अब नया जो अपडेट आया था जो कि गूगल एडवर्ड के थ्रू आप वीडियो को प्रमोट करते हैं, तो उसका भी वॉच टाइम जो है कंप्लीट होता नहीं है, क्योंकि आपका उसमें ऐड होता नहीं है। हालांकि वॉच टाइम जो वीडियो देखने पर होता है लेकिन वो काउंट नहीं होता, आपका जो भी 4000 घंटे का वॉच टाइम में वो काउंट नहीं होता। तो ये अपडेट थे। तो अब जो नया अपडेट आया है वो क्या है कि आप जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते थे, मान लीजिए यूट्यूब खोलते थे, यहाँ पे प्लस वाले आइकन क्लिक करके क्रिएट शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देते थे, तो उसमें क्या था, जो वीडियो आप अपलोड करते थे उसमें अपनी वीडियोस का लिंक डाल देते थे, तो उस वीडियो को देखकर उस लिंक के थ्रू जो आपका वीडियो वॉच करता था उसका भी वॉच टाइम काउंट होता था। लेकिन अब जो है नया अपडेट आया उसमें क्या हुआ कि यूट्यूब ने चेंज कर दिया इसका पॉलिसी, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन है उसका, तो वो चेंज कर दिया। अगर आप उस वीडियो पे अपने लिंक को डालते हैं या उस पर वीडियो अपलोड करते हैं जो शॉर्ट वीडियो जैसे कि टिकटॉक जैसा होता है, तो उसका जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होगा। तो यही नया अपडेट यूट्यूब ने किया है। तो ये यूट्यूब जो है हर साल नए नए अपडेट्स लाता रहता है, तो इसमें भी ये एक अपडेट था जो भी यूट्यूब ने किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया है अगर उसको आप डिलीट कर देते हैं, अगर आप नया चैनल बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई नया नया यूट्यूबर होते हैं जो कि एक मूवी अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि मूवी देखने वाली जो जल्दी से मेरी वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाएगा, 2-2 घंटे की वीडियो रहेंगी, तो मैं उसको डिलीट करके दोबारा अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा जो कि अलग कैटेगरी की, जिस कैटेगरी पर चैनल बनाया उसकी, तो आप कभी मत करिएगा क्योंकि उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा और चैनल भी आपका डिलीट हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।